सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की है, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री सच दैट एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज लेस देन इक्वल टू टेन, फोर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी, एक्स वन एक्स टू इज पॉजिटिव। सो सिंपल एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप होता है कि यू गिवन क्वेश्चन है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। नाउ हेयर इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज हेयर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज ऑफ द मिनिमाइजेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो फंक्शन होता है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होता है। तो मुझे सबसे पहले इसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना है। अगर यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन होगा देन इट्स ओके, हम लोग सिंप्लीफाइड उसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिनिमाइजेशन का है तो मैं सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द माइनस साइन। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया यानी कि मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस बिकम्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ माइनस जेड। सो दिस बिकम्स द टेन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री। सो इस वे से मैंने क्या किया, मैंने इसको मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया है। नाउ सो सबसे पहला स्टेप तो मेरा कन्वर्ट हो गया कि मुझे ये करना है, मुझे अपने इस क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास इन इक्वेशंस है लेस देन ना ग्रेटर देन वाली इन इक्वेशंस है हमें उसको इक्वलिटी में चेंज करना है। अब इक्वलिटी में चेंज करने के लिए अगर यहाँ पे मेरे पास जैसे लेस देन है तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा स्लैक वेरिएबल एंटर करेगा, और यहाँ पे मेरे पास भी लेस देन है तो मेरे पास स्लैक वेरिएबल एंटर करेगा। इन केस ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की होती है तो वहाँ पे हम लोग सरप्लस वेरिएबल को एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एस वन और एस टू दो स्लैक्स वेरिएबल कंसीडर करके अपनी इन इक्वेशन को इक्वलिटी में चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएंगी एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री, यहाँ पे मैंने स्लैक वेरिएबल एंटर किया सो दैट दिस बिकम्स द इक्वलिटी। तो जब भी लेस देन वाली इन इक्वेशंस होगी वहां पे हम लोग स्लैक वेरिएबल एंटर करेंगे तो वो इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड में भी मैं स्लैक वेरिएबल एंटर करूंगा तो 4x1 plus x2 plus x3 plus second slack variable s2 that's equal to 20। अब मेरे पास वेरिएबल बन गए x1 x2 x3 s1 और s2, ये सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो इस वजह से मैंने क्या किया, अपने क्वेश्चंस को सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि इसका इनिशियल सॉल्यूशन निकालेंगे, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें कि जो मैट्रिक्स है वो लीनियर इंडिपेंडेंट्स की कॉलम्स होंगी जो वेरिएबल्स उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आप अपने क्वेश्चन में डिसीजन वेरिएबल देखें। जो क्वेश्चंस में वेरिएबल गिवन्स है वो डिसीजन वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू को जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो बाकी जो बचेगा वहां से मेरे पास इनिशियल सॉल्यूशन निकलेगा। x1 x2 x3 मैंने जीरो पुट किया दिस बिकम्स द s1 इज इक्वल टू 10। तो s1 s2 जो होंगे यहाँ पे इनिशियल जो बेसिक्स वेरिएबल होंगे। तो मैंने यहाँ पे s1 x1 x2 x3 को जीरो पुट किया दिस इंप्लाइज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन निकला मेरे पास, s1 इज इक्वल टू 10 एंड s2 इज इक्वल टू 20। तो इस वजह से मेरे पास इस क्वेश्चन का इनिशियल सॉल्यूशंस मैंने निकाल लिया, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस। अब मैं इसको सिंप्लेक्स मेथड से नेक्स्ट प्रोसीड करूंगा। तो मैंने क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन था उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाला। अब मुझे अपने इस डाटा को सिंप्लेक्स टेबल में पुट करना है। नाउ व्हाट इज सिंप्लेक्स टेबल, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस लिखूंगा बेस, फिर नेक्स्ट इसमें जो जितने भी मेरे पास नेक्स्ट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पुट करूंगा। क्या क्या वेरिएबल्स हैं, एक्स वन नेक्स्ट एक्स टू नेक्स्ट x3 और वेरिएबल जो मैंने अपने स्लैक्स और सरप्लस वेरिएबल ये तीन तो मेरे पास डिसीजन वेरिएबल है। नेक्स्ट s1 और s2 जो मैंने स्लैक वेरिएबल एंटर किए s1 और s2। तो इस वे से मैंने ये मैट्रिक्स बना दिया। ये इसकी राइट हैंड साइड जो इन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड होगी। तो इस वे से जो है क्योंकि इसमें बेस में टू मेरे पास जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकला है इसमें
टू वेरिएबल्स हैं, सो टू बाय टू का जो मैट्रिक्स है जहाँ पे बनेगा, टू मैं इसमें रोज लूंगा, दिस इज माई फर्स्ट रॉ एंड दिस इज माई सेकेंड रॉ, तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूंगा इस बेस से जो ये टेबल बनेगा। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस की बात करता हूँ, तो ये बेसिक सोल्यूशन है, तो बेस में एस वन एस टू ये लिखा मैंने, बेस में एस वन एस टू। अब इन इक्वेशंस को हम लोग एंटर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री प्लस एस वन इज इक्वल टू टेन, सो हियर इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन वन, एक्स टू का वन, दिस इज माइनस टू, एस वन इज वन एंड एस टू इज जीरो बिकॉज हियर इज नॉट एस टू, एस टू नहीं है तो इस पर कोफिशिएंट जीरो इज इक्वल टू टेन, राइट हैंड साइड पे टेन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में एंटर कर रहा हूँ, तो फोर वन वन, हेयर इट इज जीरो इट इज वन एंड दिस इज ट्वेंटी हेयर, सो इस फेयर से मैंने दोनों के दोनों इक्वेशन जो है वो एंटर कर दी है अपने मैट्रिक्स में। अब ये देखो यहाँ पे लिखेंगे सी जे, सो दीज आर द कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या होगी, यो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में इनके कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट कितना है टेन, एक्स टू का वन, फिर टू, नेक्स्ट ये जो हमने स्लैक्स ऑफ सरप्लस वेरिएबल लिए होंगे इनके कॉस्ट जीरो, तो यहाँ पे एस वन और एस टू यहाँ पे भी इस कॉस्ट आएगी, तो एस वन एस टू की कॉस्ट कितनी है जीरो, क्योंकि ये सिर्फ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है, इनके खुद की कोई कॉस्ट नहीं है। नाउ इसके नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे जेड जे, जेड जे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो अपनी इन जो आपने सीजे की वैल्यूज कैलकुलेट की है इनको आप अपनी इस एक्स वन के नीचे इन नंबरों को मल्टीप्लाई करके एडअप करेंगे, वन जीरो जीरो फोर जीरो जीरो एडअप करेंगे तो जीरो, तो फर्स्ट केसेस में हमेशा यहाँ पे जीरो जीरो वैल्यू निकलने वाली है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो बेस में फर्स्ट टाइम जो बेस में आएंगे उनकी यहाँ पे कॉस्ट जीरो जीरो होगी, सो दिस इज जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू फोर जीरो, दोनों को एडअप करेंगे जीरो, इस बेस से ये सारे के सारे जीरो होंगे। इसके नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करनी है नेट वैल्यूएशन, दैट इज सी जे माइनस जेड जे, सो ये मेरे पास नेट वैल्यूएशन होगी, नेट वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अ सी जे माइनस जेड जे, टेन माइनस जीरो टेन, वन माइनस जीरो वन, सॉरी सो हियर इट शुड बी द वन, सो वन माइनस जीरो वन, टू माइनस जीरो टू, जीरो माइनस जीरो जीरो एंड हियर इट इज एज इट इज। अब ये देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास बेस में एलिमेंट्स होंगे, बेस में जो वेरिएबल्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा जो नेट वैल्यूएशन निकलेगी जीरो निकलेगी। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये जो नेट वैल्यूएशन है सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे नेट वैल्यूएशन क्या वो जीरो और नेगेटिव है, इन केस वो जीरो और नेगेटिव है तो यही मेरे पास जो टेबल है ये ऑप्टिमम टेबल होगा और यही मेरे पास सॉल्यूशन होगा। इन केस यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, जैसे टेन पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको चूज करेंगे। अब टेन वन और टेन टेन वन और टू में से मैक्सिमम वैल्यू है टेन, तो ये वाला वेक्टर मेरे पास एंटर कर जाएगा। तो मेरे पास जो बेस है एस वन और एस टू है उसमें एक वेक्टर जो है एक्स वन एंटर करेगा, या तो एस वन की जगह पे एंटर करेगा या फिर एस टू की जगह पे एंटर करेगा। अब एक्स वन एंटर कर गया, अब देखो क्या करना है, अब आप ये देखें कि क्या इस कॉलम में यहाँ पे एक्स वन के नीचे वन और फोर इस वाली एंट्रीज में क्या सारे के सारे नेगेटिव है या जीरो है। इन केस यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव जीरो है तो हम लोग बोलेंगे कि जो गिवन प्रॉब्लम है इट हैज अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, जैसे कि ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग अनबाउंडेड सॉल्यूशन देखते थे, तो सिंपलेक्स मेथड से भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन को देखा जा सकता है। जो वेक्टर एंटर करेगा अगर उसमें यहाँ पे एंट्रीज जो होंगी नेगेटिव जीरो होंगी, नेगेटिव होंगी कोई भी पॉजिटिव नहीं होगी, तो उस केसेस में हम लोग बोलेंगे कि गिवन प्रॉब्लम हैज अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब क्योंकि इसमें पॉजिटिव है तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, राइट हैंड साइड को आप इनसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे रेशियो, तो ये मैंने रेशियो फाइंड की इसकी, सो इन दोनों के लिए 10 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 10, 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5, सिर्फ इन दो की ही हमने रेशियो निकालनी है, ये नीचे नहीं निकलेगा। ओके नेक्स्ट देखें, सो मेरे पास रेशियो क्या आई 10 और 5, आपने इन दोनों में से मिनिमम चूज करना है, जो भी मिनिमम होगा वो चूज करेंगे, 10 और 5 में से 5 मिनिमम है, तो ये वाला मेरे पास जो वेक्टर होगा इस बेस में ये वाला वेक्टर S2 ये लीव करेगा, बेस में कौन जाएगा ये वाला एंटर कर रहा है, X1 जो बेस में जाएगा S2 निकल जाएगा, S2 की जगह पे हम लोग X1 को एंटर कर देंगे और ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेप बनता है नेक्स्ट टेबल। तो सेम इसके नीचे आपने टेबल को प्रोसीड करना है, सेम टू बाय टू का मैट्रिक्स लिखना है, इनके नीचे नीचे ऐसे एंटर करते जाए
दैट्स इट्स। तो आपने टू रॉस लेनी है, ये वन रॉ एंड दिस इज अ सेकेंड रॉ। तो इस वजह से आपने मैट्रिक्स लिखा। अब इनके नीचे वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले बेस में एस वन, तो एस वन ही रहेगा, तो एज इट इज। एस टू की जगह पर मैंने एक्स वन को एंटर किया तो ये एक्स वन आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ये जो वेक्टर एंटर कर रहा है और जो लीव कर रहा है, इसका जो कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट। ये हमारे पूरे के पूरे मैट्रिक्स को या टेबल को नेक्स्ट प्रोसीड कराएगा। इस एलिमेंट की हेल्प से हम लोग अपने टेबल को नेक्स्ट हुआ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। अब क्या करना है मुझे, ये मैंने फोर को कंसिडर किया, आपने इस फोर को वन करना है। जो लीडिंग एलिमेंट और पिवट एलिमेंट है उसको हमने वन करना होता है। तो मैं इस फोर को वन करूंगा, तो वही ऑपरेशन लगाएंगे जो हम लोग मैट्रिक्स में लगाते हैं। तो मैंने इसको फोर से डिवाइड किया पूरी की पूरी रो को। तो हेयर इट इज वन, फोर डिवाइड बाई फोर वन, दिस बिकम्स अ वन बाई फोर, दिस बिकम्स अ वन बाई फोर, दिस इज जीरो, दिस इज वन बाई फोर, एंड ट्वेंटी को फोर से डिवाइड किया तो फाइव। तो इस वे से मैंने जो नेक्स्ट वाली जो एंट्रीज है वो निकाल ली है। जो लीडिंग एलिमेंट है उसको हमने वन करना होता है, और उसको छोड़ के बाकी कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग उसको जीरो करेंगे। अब मुझे इसको जीरो करना है, यहाँ पे मुझे जीरो लाना है। हियर इट इज वन, और ये मेरे पास वन आया हुआ है। सो वन माइनस वन जीरो, इसकी हेल्प लेंगे या हम इसकी हेल्प लेंगे। अगर मैं इसकी हेल्प लेता हूँ तो फोर को डिवाइड करना था, तो वो ये रो निकली हुई है, तो मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ। वन माइनस वन जीरो, सो ये ऑपरेशन लगाया हमने। वन माइनस वन बाय फोर, सो थ्री बाय फोर, वन माइनस वन बाय फोर। नेक्स्ट माइनस टू, माइनस टू एंड माइनस वन बाय फोर, क्या कर रहे हैं, वन माइनस वन, वन माइनस वन बाय फोर, माइनस टू, माइनस टू एंड माइनस वन बाय फोर, दिस बिकम्स अ माइनस नाइन बाय फोर। नेक्स्ट वन माइनस जीरो, वन जीरो माइनस, सो दिस इज माइनस वन बाय फोर। टेन माइनस फाइव, दिस इज फाइव। तो इस वे से मेरे पास जो सेकेंड रो की भी एंट्री आई है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे जेड जे निकालना है। इससे पहले इसकी कॉस्ट भर देते हैं हम लोग। तो जो एस वन स्लैक वेरिएबल है, इसकी कॉस्ट है जीरो, और एस वन की कॉस्ट कितनी है, कोफिशिएंट दैट इज टेन। तो ये मैंने भर दिया। अब मुझे निकालना है जेड जे। तो जेड जे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने इन कॉस्ट को इनके मल्टीप्लाई करना और एडअप करना। जैसे जीरो है तो सबको जीरो करेगा, तो यहाँ से ये वैल्यूज आएगी टेन प्लस वन, सो हियर इट इज टेन। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइव बाई टू। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया तो फाइव बाई टू। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया तो फाइव बाई टू, एंड हेयर इट इज फिफ्टी। सो इस वे से मैंने जेड जे निकाला। जेड जे कैसे निकाला, ये जो कॉस्ट कॉस्ट निकाली हुई है और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करके उनको एडअप किया रो उसको, और टोटल जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। जब मेरे पास जेड जे आ गया, मुझे कैलकुलेट करना नेट वैल्यूएशन, दैट इज सी जे माइनस जेड जे। तो नेक्स्ट ये देखो ओके। सो आप देखो ये मेरे पास नेट वैल्यूएशन आई है। फिर से हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि क्या सारे के सारी जो जो वेरिएबल्स हैं उनके नीचे जो नेट वैल्यूएशन है, सारे के सारे सीजे माइनस जेड जे क्या नेगेटिव और जीरो है। अगर वो नेगेटिव और जीरो है, जैसे ये जीरो है और ये सारे के सारे नेगेटिव है, तो डेट इज आवर ऑप्टिमम सोल्यूशन, और वही हमारे पास जो है ऑप्टिमम सोल्यूशन देगा यही टेबल। इसके नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे। सिंस ऑल सीजे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच्ड। तो ये मेरे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन मेरे पास मिल गया है। और सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, आपने यहां पर देखना है एस वन तो फाइव है, तो हमें सिर्फ डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू देखनी है। आपने बेस में देखना है एक्स वन की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे एस वन बेस में है और एक्स वन बेस में है, तो मेरे पास जो डिसीजन वेरिएबल है वो क्या है, x1, x2, x3, इनकी वैल्यूज हमने लिखनी है। तो x1 की वैल्यू मिली मुझे 5, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू 5। नाउ व्हाट इज x2, व्हाट इज x3 और z। अब ये देखो x2 तो इसमें नहीं है, सो दैट मीन वो 0, x3 नहीं है 0। अब z की वैल्यू ये देखो, यहां से जो z निकला हुआ 50, सो 50 यहां पे मेरे पास z की वैल्यू है। लेकिन हमने जो क्वेश्चंस लिया हुआ था वो क्वेश्चन था मिनिमाइजेशन का, और हमने उसे माइनस से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा।
So here it is the answer of this thing, minus का 50. So ये मेरे पास algorithm था कि कैसे simplex algorithm से हम लोग जो given question को solve कर सकते हैं. तो सबसे पहला step होता है कि हम लोग उसको standard form में convert करेंगे. Standard form में convert करने के लिए जो minimization का question है उसको maximization में change करते हैं. अगर वो maximization का है तो as it is ही उसको objective function को लेते हैं. फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेस देन वाली और ग्रेटर देन वाली इक्वेशनें होंगी उनको इक्वलिटी में चेंज करेंगे बाय एडिंग द स्लैक्स एंड द सरप्लस वेरिएबल. और वहां से जब हम डिसीजन वेरिएबल को जीरो पुट करते हैं तो वहां से हमें मिलता है इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन. इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन से हम लोग जो फर्स्ट टेबल लिखते हैं और उस टेबल लिखने के बाद हम लोग जेड जे की वैल्यू निकालते हैं और नेगेटिव वैल्यूएशन निकालते हैं सी जे माइनस जेड जे. अगर जो सी जे माइनस जेड जे सारे के सारे नेगेटिव और जीरो है तो वो मेरे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा. अगर उसमें कुछ पॉजिटिव है तो उनमें से मैक्सिमम चूज करेंगे. जैसे मैंने 10 वाली मैक्सिमम थी तो ये मैंने चूज की. अब जैसे मैंने 10 को चूज किया तो ये वाला वेक्टर मेरे पास एंटर करेगा इस बेस में. ये एंटर करेगा, जब एंटर कर रहा है उस वाली कॉलम में अगर सारे के सारे नेगेटिव हो तो दिस इंडिकेट दैट द गिवन प्रॉब्लम हैज अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन. अब जहाँ पे पॉजिटिव थे तो मैंने राइट हैंड साइड को उससे डिवाइड किया तो रेशियो कैलकुलेट की. इस रेशियो में से मुझे मिनिमम चूज करना है, वो जो मिनिमम वाला वेक्टर होगा वो बेस को लीव करेगा. यहाँ से ये देखो 5 दोनों में से मिनिमम है तो ये वाला एस टू जो है वो मेरे बेस को लीव करेगा. एस टू लीव कर जाएगा उसकी जगह पे कौन आएगा, एक्स वन आ जाएगा. तो ये मैंने नेक्स्ट में लिखा. अब नेक्स्ट का टेबल कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ये जो लीडिंग एलिमेंट है यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे जो वेक्टर एंटर कर रहा है और जो लीव कर रहा है उसका कॉर्नर देखेंगे उस मैट्रिक्स में तो वो मेरे पास पिवट एलिमेंट होगा और लीडिंग एलिमेंट होगा. अब उस लीडिंग एलिमेंट को हमने नेक्स्ट वाले टेबल में 1 करना है और उसकी कॉलम में बाकी जो है एक ही बचता है यहाँ पे ये 1 तो मुझे उसको 0 करना है. तो इस वजह से मैंने रो ऑपरेशन लगाए, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाए. तो रो ऑपरेशन लगाने के बाद मैंने अपने इस मैट्रिक्स को नेक्स्ट में प्रोसीड किया. नेक्स्ट वाले फिर से मैंने जेड जे कैलकुलेट किया और नेगेटिव वैल्यूएशन सी जे माइनस जेड जे कैलकुलेट की और मैंने देखा कि क्या सारी की सारी नेगेटिव और जीरो है. यहाँ पर इसी टेबल में हमारे पास ये सारी की सारी जीरो और नेगेटिव आ चुके हैं तो डैट मीन ये हमारे पास ऑप्टिमम टेबल रीच हो गया. अब इस टेबल में से हम लोग सोल्यूशन रीड करेंगे कैसे. एक्स वन की वैल्यू कितनी है 5. एस वन तो हमारे पास जस्ट हमने स्लैक्स डाला था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये डिसीजन वेरिएबल नहीं है. डिसीजन वेरिएबल मेरे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, मुझे इस बेस में उसको चेक करना है. तो एक्स वन 5 एक्स टू 0 उसके बाद एक्स थ्री जो है वो 0 क्योंकि वो बेस में नहीं है और जेड जो होगा यहाँ से ये नेट जो जेड की नेट वैल्यू है 50 और क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसको मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना. सो माइनस 50 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.